केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन वह एक सीमित क्षेत्र का है, सरकार वार्ता के लिए तैयार है, जल्द ही कोई समाधान निकल जाएगा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने और किसान के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि 2019 में चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इन बिलों का उल्लेख किया था, लेकिन अब कांग्रेस पलट कर किसानों के नाम पर सियासत कर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह का आरोप पर मंत्री तोमर ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती है। किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन वह एक कुछ सीमित क्षेत्र का है, सरकार वार्ता के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही उसका समाधान होगा। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है सरकार पर, सरकार किसानों को सोच नहीं दी, किसान आंदोलन चल रहा है लगातार 70 दिन के ऊपर हो गए हैं। कांग्रेस को तो आरोप लगाने का या किसानों के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जब सरकार में रही तब किसानों के लिए उन्होंने